बनाने जा रहे सीम का बहुत ही झटपट बनने वाला अचार। तो आपने तो सीम का सब्जी खाए होंगे, कोफ्ते बनाए होंगे। एक बार आप इस तरह से सीम का झटपट बनने वाला अचार है जो बनाकर देखिए फ्रेंड्स, खाने में इतना ये स्वादिष्ट लगेगा कि आप सब्जी खाना भूल जाइएगा और अचार ही खाइएगा। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम है जो सीम लिया है, और सीम को दोनों तरफ से इस तरह से रेशा है जो निकाल लेना है और इसे तोड़ लेना है इस तरह से। ये देखिए, तो सारे सीम को मैंने इस तरह से ही तोड़ कर रेडी कर लिया है। इसमें मैंने कढ़ाई रखा है, तब मैं सीम का जो मसाला डालते हैं वो रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर एक छोटा कटोरी मैंने धनिया डाला है, 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच खड़ा जीरा, 2 चम्मच मेथी दाना, ये देखिए, और थोड़ा सा सूखे लाल मिर्च, और 2 चम्मच मैंने यहाँ पर काला सरसों डाला है, ये देखिए, और सभी मसालों को मीडियम गैस पर भूंज लेती हूँ। तो यहाँ पर मसाले है जो अच्छे से भूंजाया गया है 2 मिनट तक। इसमें से सुनी सुनी जो खुशबू आती है फ्रेंड्स, वो आना स्टार्ट हो गया है। तब मैं गैस को है जो बंद कर देती हूँ, और सारा मसाला को मैं डायरेक्ट मिक्सी जार में ही निकाल लेती हूँ। ये देखिए, जब ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे पीस लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सारा मसाला को निकाल दिया है, और इसमें मैंने 2 बड़े गिलास पानी डाला है। इसमें मैंने सीम को डाल दिया है, और सीम को 10 मिनट तक मीडियम गैस पर पका लेती हूँ। तो ज़्यादा इसे नहीं पकाना है फ्रेंड्स, इसे मतलब 50% ही पकाइएगा। तो ये देखिए, इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो देखिए, सीम है जो पक गया है। तो मैं गैस को बंद कर देती हूँ, और इसे मैं निकाल लेती हूँ इस तरह से, निकाल ले इसे। फ्रेंड्स, आप पंखे के नीचे आप सूखने के लिए रख दीजिए। बिल्कुल भी सीम में नमी नहीं रहना चाहिए, अगर नमी रहेगा तो सीम का अचार बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर मसाला है जो ठंडा हो गया है, तब मैं मसालों को पीस लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मसाला को मैंने पीस कर रेडी कर लिया है, तभी मैं साइड में रख देती हूँ। और ये देखिए, मैंने यहाँ पर पंखे के नीचे रख दिया था, बिल्कुल इसमें नमी नहीं है, अच्छे से पानी है जो सूख गया है। तो मसाला जो मैंने रेडी किया है वो मैंने इसमें डाल दिया है, और नमक थोड़ा अचार में ज़्यादा पड़ता है फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच नमक डाला है, और 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है। तो मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है सिर्फ कलर के लिए, क्योंकि सूखी मिर्च मैंने इसमें तीखी वाली डाल पीस कर डाला है, इसीलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ कलर के लिए डाला है। और 1 चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है, और 1 कटोरी मैंने इसमें सरसों का तेल डाला है, और सभी को अच्छे से मिला लेती हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से इसमें मिला लिया है। आप लंबे समय तक अचार को रखना चाहते हैं तो इसमें तेल है जो मैंने तो 1 कटोरी डाला, आप इसमें 2 कटोरी डालिएगा, क्योंकि मैं इस अचार को 10 से 15 दिन तक मैं ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि मेरे घर में यह अचार सभी को बहुत ही पसंद है। तो जब भी मन नहीं करता सब्जी वगैरह बनाने का, तो मैं इस अचार के साथ ही खा लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने डाला है 1 चम्मच कलौंजी। कलौंजी से अचार में है जो टेस्ट है जो बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप हटा भी सकते हैं। यहाँ पर अचार है जो बिल्कुल ही रेडी हो गया फ्रेंड्स। तो इसे अब 2 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। धूप में रखने से क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो नमक मैंने डाला है अच्छे से अचार के अंदर मसाले के साथ घुल मिल जाएगा, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट आपको लगेगा। फ्रेंड्स, आपको लंबे समय तक अचार को रखनी है तो आप इसे शीशा के जार में रखें, अच्छे से सुखा के, बिल्कुल भी शीशा के जार में नमी वगैरह ना हो। और जब भी अचार को निकालें तो सूखे हाथ से, सूखे चम्मच से ही निकालिएगा, इसे अचार है जो ख़राब नहीं होते हैं। अगर आप गीले हाथ से निकालिएगा तो बहुत ही जल्दी अचार है जो ख़राब हो जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आज की मेरी रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार इस तरह से अचार बना कर देखें, और प्लीज़ मुझे भी आगे बढ़ने में सपोर्ट करें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।